मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 6 और 7 को संस्कृत में कराया जा रहा है अनुवाद प्रकरण। क्या कराया जा रहा है? अनुवाद प्रकरण कराया जा रहा है, यानी आपको अनुवाद करने सीखना है। सिखा भी रहा हूं, प्रथम पुरुष का सिखा दिया, मध्यम पुरुष का सिखा दिया, उत्तम पुरुष का सिखा दिया। अब इनमें से मिक्स करके बीच बीच में मैं आज वाक्य लिख रहा हूं एक साथ। जैसे पहला वाक्य है, वह पढ़ता है, ठीक है। दूसरा वाक्य है, मैं हंसता हूँ। तीसरा वाक्य है, तुम जाते हो। चौथा वाक्य है, हम सब खेलते हैं। पांचवा वाक्य है, तुम सब हंसते हो। छठा वाक्य है, हम दो गाते हैं, ठीक है। सातवां वाक्य है, राम जाता है। आठवां वाक्य है, वे सब जाते हैं। और नौवां वाक्य है, वे दो खाते हैं। ये 9 वाक्य, इन 9 वैसे तो आपको सिखा दिया, लेकिन इनको आज करने का दोबारा से बिना सारणी देखे मैं बता रहा हूँ। एक एक चीज को ध्यान से देखना। पहले तो आप ध्यान करें, संस्कृत में वह के लिए क्या आता है? स आता है। क्या आता है वह के लिए? स आता है, ठीक है। शह तौते, इनके साथ में क्रिया किसकी होती है? प्रथम पुरुष की होती है। किसकी होती है? प्रथम पुरुष की। ये पढ़ता है, ये क्रिया किसकी होगी? प्रथम पुरुष की। अब शह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रथम पुरुष में एक वचन के लिए। किसके लिए? एक वचन के लिए। यानी पठ धातु का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होता है? पठ धातु का पठती। क्या होता है? पठती। तो यहाँ क्या हो जाएगा? स पठती। अगला है मैं। मैं के लिए संस्कृत में क्या प्रयोग किया जाता है? अहम। क्या प्रयोग किया? अहम, हंसता हूं। अब अहम कहाँ आता है? उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है। कहाँ आता है? उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो हस धातु के उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या हो जाएगा?
हसामी क्या हो जाएगा, हसामी क्या हो जाएगा, हसामी। उसके बाद तुम जाते हो, तुम कहाँ आता है, तुम का होता है तुम का क्या होता है, तुम आता कहाँ है, उत्तम पुरुष में आता, कहाँ आता है, उत्तम पुरुष के एक वचन में, यानी गच्छ धातु के, गम धातु के उत्तम पुरुष का, सॉरी मध्यम पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष का एक वचन। तो क्या होता है, गच्छसि क्या होता है, गच्छसि क्या होता है, गच्छसि। इस प्रकार से अब हमें ध्यान होना चाहिए, सारणी इतना तैयार होना चाहिए कि तुरंत प्रकार से जैसे अहम आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि अहम कहाँ पे आता है, उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो जो धातु क्रिया लगी हुई, जो धातु लिखना है उसके उस पुरुष के उस वचन में जो लकार आता है वो हमें लिखना है। अब हम सब खेलते हैं, हम सब के लिए क्या आता है, अहम के लिए मैं, हम दो के लिए अहम आवाम, और हम सब के लिए वयम। हम सब के लिए क्या आता है, वयम आता है, क्या आता है, वयम। अब वयम आता कहाँ पे है, उत्तम पुरुष के बहुवचन में आता है, कहाँ आता है, उत्तम पुरुष के बहुवचन में आता है। तो खेल क्रीड धातु के उत्तम पुरुष का बहुवचन, क्रीडति क्रीडता क्रीडंती, ये तो प्रथम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन हो गया। फिर मध्यम पुरुष क्रीडसी क्रीडथ क्रीडत, ये हो गया मध्यम पुरुष। उसके बाद उत्तम पुरुष क्रीडामि क्रीडावह क्रीडामह, तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या आ रहा है, क्रीडामह, क्या आ रहा है, क्रीडामह। यानी हम सब खेलते हैं, क्या संस्कृत में अनुवाद किया हो गया, वयम क्रीडामह। तुम सब हंसते हो, तुम सब के लिए क्या आता है, तो हम आता है तुम के लिए, युवाम आता है तुम दोनों के लिए, और युवियम आता है तुम सब के लिए, युवियम किसके लिए आता है, तुम सब के लिए। तो युवियम कहाँ से उठाया जाता है, उत्तम पुरुष के बहुवचन से उठाया जाता है। तो हंसते हो, यानी हंस धातु के उत्तम पुरुष के बहुवचन में, हस्ती हस्ता हसंती, ये तो प्रथम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन हो गया। हसा हससी हसथ और हसत, तो बहुवचन में क्या आ रहा है, मध्यम पुरुष के हसत क्या आ रहा है, हसथा क्या आ रहा है, हसथा। हम दो गाते हैं, हम दो के लिए अहम के लिए मैं, हम दो के लिए अहम आवाम, क्या आता है, आवाम, अहम आवाम, क्या आता है, आवाम। हम दो के लिए क्या आता है, आवाम। अब गाते हैं यानी उत्तम पुरुष का द्विवचन में आवाम आता है। तो गायसी गायथ, सॉरी गायसी गायथ और गायथ, ये तो प्रथम पुरुष में आता है। गयामि गयायवः गयावः, क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुष के द्विवचन में, क्या आ जाएगा, गयावः, उत्तम पुरुष के द्विवचन में। वेदो खाते हैं, वेदो के लिए क्या आता है, शह तौ, क्या आता है, शह तौ, क्या आता है, तौ। अब वे और कोई नाम, ये किस में आते हैं, प्रथम पुरुष में आते हैं। अब प्रथम पुरुष के द्विवचन खाने वाले दो है, तो खाद धातु के खादति खादतः, क्या आ जाएगा, खादतः, क्या आ जाएगा, खादतः। उसके बाद वे शब्द जाते हैं, वे शब्द के लिए सह तौ ते, क्या आता है, ते। अब जाना गच्छ धातु, वे शब्द क्या आता है, प्रथम पुरुष में आता है, इसमें आता है, प्रथम पुरुष में आता है। अब जाने वाले वे शब्द बहुत ज्यादा है, यानी गम धातु के बहुवचन की क्रिया लगेगी तो क्या आ जाएगा, ते गच्छन्ति, क्या आ जाएगा, ते गच्छन्ति, क्या हो जाएगा, ते गच्छन्ति। राम जाता है, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, एक है तो राम, जाने वाला भी एक ही होगा, क्रिया एक वचन होगी, तो राम गच्छति। तो इस प्रकार से और भी उदाहरण लेकर के आपको मैं करके बताया, इनको समझिए, समझने के बाद दोबारा से करने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।